नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बधी बीघा गांव में मनचले एक लड़की के साथ उसके घर में घुसकर छेड़खानी कर रहे थे। छेड़खानी का जब लड़की के भाई विरोध किया तो मनचलों ने युवक की जमकर की धुनाई कर दी। उसे चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की के घायल भाई श्रवण ने बताया कि घर में वो बहन और भाई के साथ था। उसी दौरान 5 की संख्या में कुछ लड़के उसके घर में घुस गए और मेरी बहन के साथ छेड़खानी करने लगे। जब उसके भाई ने उन लड़कों का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट किया। मारपीट में बधी बीघा गाँव निवासी ब्रजनंदन प्रसाद के पुत्र प्रदीप कुमार गंभीर रूप से जख्मी है। पीड़ित ने बताया कि प्रदीप कुमार गांव का ही वार्ड सदस्य है। उसके परिवार के सभी सदस्य नानी घर गए थे। भाई और बहन दोनों घर में थे। उसी क्रम में 5 की संख्या में लोग घर में घुस जाता है और वार्ड सदस्य की बहन के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर भाई ने उसे बचाने की कोशिश की। लड़के का विरोध करना उसे महंगा पड़ा और मनचलों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित का उपचार नवादा के सदर अस्पताल में देर शाम बुधवार से चल रहा है। घटना के बाद परिजनों ने थाने में आवेदन देकर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की। वो आदमी इतना बदतमीज है, उसमें सारा चीज मतलब इतना बदतमीज है, वो चोर भी है, पापी भी है, हत्यारा भी है। सुबह सुबह वो दारू पी लेता है और फिर मारने का प्लान जो भी मिल गया, किसी भी मासूम बच्चा या बच्ची हो, उसको भी कोई कमजोर आदमी है उसको पीटने का उसका पहला मकसद। हम तो यही कहते हैं कि राधे चौहान को जल्द से जल्द जेल होना चाहिए। तो कभी कम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। एक बार तो हम कर दिए थे 2019 में, लेकिन इस बार अगर हम हाई कोर्ट करेंगे ना उस पर, तो कभी नहीं इस पर कम्प्रोमाइज करेंगे। आज क्या हुआ, क्या आज हुआ है? वही सरवन चौहान गए थे कुछ काम करने के लिए अपने गांव में, तो उसका राधे चौहान का बेटा था, दोनों बेटा और भोला चौहान का एक बेटा था। बाप तो अच्छा संस्कार दिया नहीं बेटा को, बोला कुछ तो प्लानिंग किया होगा, बेबजाय बेकसूर को तो पीटना गलत बात है और जाकर उसको पीट दिया, क्योंकि उसके बाप और बेटा को किसी का खुशी नहीं सहन होता है। क्या चीज़ का खुशी? वो इलेक्शन में जीता था, सरवन चौहान एक मासूम बच्चा है, लोग उसको बहुत अच्छे तरह से चाहते हैं। सबका मत था कि इस गांव का जो वार्ड सदस्य बने वो सरवन चौहान बने, लेकिन वो जो राधे चौहान था ये नहीं चाहता था। लेकिन वो तो इलेक्शन जीत गया, अब उसका ये कुछ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मौका देखा, वो अकेले था घर में, उसके पिताजी नहीं थे और घर में औरत लोग क्या करती, वो ये अच्छा मौका देखा और उसको उसके सर पे वार कर दिया। 6 महीने से बंद का, तुमको कभी भी मारेंगे, कहीं केस किया तो तुमको पर जान मार देंगे। क्या वोट के चलते बताइए? वही जो जीत गया, हम जीतते। कौन, क्या चीज में? वार्ड सदस्य। किसने किया? भोला चौहान और राधे चौहान, उसका दोनों बेटा, एक भाई है, दोनों का बेटा मारा है। 5 मिनट।